आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण डीएसी बराबर 77/2 डिग्री और कोण सी बराबर 45 डिग्री है, तो कोण एडीबी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, चित्र को, ठीक है, चित्र बनाएंगे। तो ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि डी इस प्रकार है बीसी पे, तो मैं लेता हूँ इसको ए, ये बी है और ये सी है, तो डी बी सी पे इस प्रकार है कि जो ए डी, ठीक है, ये ए डी हो जाएगा आपका, ठीक है, तो डी ए सी, जो डी ए सी है, ये जो आपका कोण है ये 77/2 डिग्री, ठीक है, मतलब कि 38.5 डिग्री है, ठीक है। और इसके बाद कोण सी जो है ये है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल ए डी पी पूछा है, ए डी पी, ये एंगल पूछा है, ठीक है, ये त्रिभुज का नियम होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो बाह्य कोण होते हैं वो अंतः कोणों के, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोणों के, ठीक है, योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा जो कोण, ठीक है, ए डी बी होगा, ये दोनों अंतः कोणों के, कोण ए जो कोण है होगा आपका डी ए सी, ठीक है ना, डी ए सी और डी सी ए के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ए सी जमा ए सी डी, ठीक है। और हम जानते हैं डी ए सी हमारा कितना है, 38.5 डिग्री, और ए सी डी हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा कोण ए डी बी पूछा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 40, 50, 60, 70, 83.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।